Good morning everyone, welcome to Chanakya online classes. Hello friends, myself Rohit Tekriya. आज हम स्टार्ट करेंगे बी ब्लॉक में, वो होंगे बी ब्लॉक के ढेर सारे रिएक्शन। हमने बी ब्लॉक में 15 ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर ये आप मेरा आज का लेक्चर देख रहे हो और आपने 3 आगे के लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर देख लेना तो ही आपको ये समझ में आएगा। वहां पे तीनों में हमने क्या क्या बात की 15 ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस उसके बारे में बात की 15 ग्रुप में, उसकी आयो एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके नेचर ऑफ हाइड्राइड नेचर ऑफ हैलाइड नेचर ऑफ ऑक्साइड नेचर ऑफ मेटल, उस सारे टॉपिक के बारे में हमने वन बाय वन स्टडी किया था, किसमें 15 ग्रुप में। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सबसे हार्डेस्ट टॉपिक वो सारे यहाँ के पी ब्लॉक के रिएक्शन। हम जानते हैं पी ब्लॉक में, मैंने पहले बात की पी ब्लॉक में अप्रोक्सीमेटली 150 रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन आप समझोगे नहीं, खाली भोगोगे तो हार्ड होगा। बराबर रिएक्शन आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक से समझने पड़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपको एक भी रिएक्शन हार्ड नहीं लगेगा। रिएक्शन ट्रिक्स और टेक्निक से समझोगे तो एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा तो आपके पास सोल्व नहीं होगा। यहां से आज से पास स्टार्ट हो रहे सारे रिएक्शन और अप्रोक्सीमेटली 150 रिएक्शन तो होंगे ही, बराबर बीच में थोड़ी बहुत थियरी है। हाँ, और एक बात खास नोट करना बच्चों, इस चैप्टर में से थियरी बहुत कम आती है, नेचर रिएक्शन बहुत आती है, इसलिए मैं थियरी में ज्यादा भार नहीं दूंगा। मैं सबसे वजन दूंगा वो होगी थियरी में सबसे ज्यादा वजन दूंगा, ठीक है। और उसके किसी किसी के यूजेस हर एक में हम लोग पढ़ेंगे, उसके केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन पहले आएगी, उसके बाद प्रॉपर्टीज आएगी, उसके बाद यूजेस आएगा। यूजेस आपको रटाफिकेशन करने पड़ेंगे, यूजेस आपको घोखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं खाली प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा पाऊंगा, यूजेस तो आपको रटाफिकेशन करने ही पड़ेंगे। इसलिए भाई जब भी मैंने कल बात की थी, अभी आप जो ईयरफोन लगा के देख रहे थे वो नहीं चलेगा, ईयरफोन लगा के हाथ में आपको लिखना पड़ेगा और यूजेस उसके बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपको वो टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ना पड़ेगा तो ही अब सेंटेंस टॉपिक आपको सब याद रहेगा। जो ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन तो आपको आगे के सारे टॉपिक आएंगे, ओके। इसलिए खाली ईयरफोन लगा के मत बैठना, हाथ में मोबाइल लेके साथ में लिखते भी आना सभी रिएक्शन है। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में से या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में से एक बार उसको पढ़ लेना तो आपको ये चैप्टर गारंटी से सारे रिएक्शन इसके क्या लगेंगे इसी तरीके, ओके। नाउ फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैंने बात की सभी एलिमेंट के लिए प्रिपरेशन आएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, उसके यूजेस आएंगे। नाउ प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का संबंध बच्चों, प्रिपरेशन में नाइट्रोजन बनाने में आएगा, प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन लेने में आएगा। बराबर प्रिपरेशन नाइट्रोजन होगा हमारा प्रोडक्शन लाइक दिस, और प्रॉपर्टीज में हमेशा नाइट जब किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हो या फिर किसी भी चीज का प्रिपरेशन हो, प्रिपरेशन मीन्स वो एलिमेंट या फिर वो मॉलिक्यूल्स कहां पे होगा प्रोडक्ट साइड होगा, प्रॉपर्टीज में वो एलिमेंट या वो जो भी सब्सटेंस है वो कहां पर होगा रिएक्टेंट साइड होगा। प्रिपरेशन में प्रोडक्ट साइड, प्रॉपर्टीज में हमेशा कहां पे होता है रिएक्टेंट साइड, यानी कि हमको यहां से सारी प्रिपरेशन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके यूजेस ढेर सारे रिएक्शन यहां से क्या होने वाले अभी स्टार्ट हो रहे, ओके। इसलिए मैं बोलूं तो अभी साथ में लिख के आना क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है अभी रटाफिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार, आपको ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ही ये सब रिएक्शन आपको इसी तरीके, ओके। फर्स्ट रिएक्शन वो है NH4Cl, हम सबके नाम याद रखते हैं ना NH4Cl, अगर जानते हैं NH4Cl किससे बनता है तो NH4+ से बनता है और Cl- से बनता है। NH4+ किससे बनता है Cl- से, NH4+ किससे बनता है और Cl- से बनता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ NH4Cl, इज नोन एज एमोनियम क्लोराइड, यू नो वेरी वेल, इज नोन एज एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट इज नोन एज NaNO2। हां, पहले कैसे होता है प्लस 1 एंड
process of the mind. Okay, whereas for CL, react with NaNO2 is known as sodium nitrate. अब नेचुरली यहाँ से कोटी कर जाए Na पॉजिटिव आयन होगा Na प्लस पॉजिटिव होगा अपनेगा कौन यहाँ से Cl माइनस को तो बन जाएगा NaCl. अभी क्वेश्चन में खास समझना बच्चों हम लोग प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं नाइट्रोजन ये निकाल ले आपको निकालना क्या है N2 यानी कि N2 यहाँ से निकलने वाला है ये N2 यहाँ से क्या निकल गया पहले यहाँ से Na गया उसके बाद Cl गया बन गया अपना NaCl फिर यहाँ से एक N गया उसके बाद ये N आया बन गया अपना N2 बन गया अपना N2 बचता क्या है H2O हम जानते हैं H2O क्या बनाते हैं H2 बनाते हैं उसके बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है क्यों कितने H2 होते हैं यहाँ पे कितने चार थे ओके यहाँ दोस्तों कितने दो थे तो यहाँ पे एक चार को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दो से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा SLS हर एक रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा SLS SLS इसको आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्या हुआ NH4Cl NH4Cl ले लिया मैंने एमोनियम क्लोराइड ले लिया रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड NH4Cl रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड यहां से क्या निकलता है Na Na कैसा होता है प्लस 1 Cl कैसा होता है माइनस 1 बन गया NaCl प्रिपरेशन किसकी हमको हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन की यानी बनता क्या है प्रोडक्ट में N2 तो बनने वाला ही है ये सोनो N2 तो बनेगा ही साथ बचता क्या है H2O को क्या बना देगा H2O इज इट क्लियर नाउ यानी कि NH4Cl रिएक्ट विद NaNO2 NH4Cl रिएक्ट विद NaNO2 Na प्लस और Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू NaCl H2O बन गया H2O बच गया N2 को निकाल दिया मैंने ये प्रिपरेशन हुई हर एक की आपको मिनिमम तीन तीन रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे मिनिमम तीन तीन आपको हर एक में थियरी की बात करो भाई बोर्ड में इसमें से तीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसलिए आपको तीन तीन हर एक के रिएक्शन मिनिमम याद रखने पड़ेंगे हर एक के मिनिमम आपको तीन तीन रिएक्शन याद रखोगे तो इजी होगा ओके एक ही रिएक्शन हुआ दूसरा मैं लेता हूं वो है एमोनियम क्रोमेट ओके एमोनियम क्रोमेट एमोनियम क्लोराइड किससे बनता है तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है NH4 प्लस क्या लेना पड़ता है हमको NH4 प्लस दूसरा होता है Cr2 7 माइनस 2 इसको मैं Cr2 7 माइनस 2 कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा इस हम जानते हैं कंबाइन कैसे तो जानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे नेगेटिव की पॉजिटिव यानी वैलेंसी क्या होती है उल्टी इसकी वैलेंसी कितनी वन होती है इसकी कितनी होती है दो होती है यानी दो यहां पे आता है तो NH4 कितना बन जाएगा ट्वाइस Cr2 7 कितना बन जाएगा 1 क्या बन जाएगा NH4 twice Cr2 7 is known as ammonium chromate is known as ammonium chromate तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के नाम आते रहेंगे तो आपको हर एक का रिएक्शन बनाना इजी होगा हर एक पॉजिटिव आयन का नाम और हर एक नेगेटिव आयन का नाम आपको आएगा तो आप कोई भी रिएक्शन बना पाओगे यानी कि हमको लेना क्या है एमोनियम क्रोमेट व्हाट इज एमोनियम क्रोमेट वहां पे क्या होता है NH4 प्लस होता है Cr2 7 माइनस 2 होता है कंबाइन करो क्या बन जाएगा NH4 twice Cr2 7 उसको हमको हिट करना है सुनो ध्यान से अभी अब रिसेंट में एयरपोर्ट ही हमको प्रिपरेशन किसके करनी है N2 की यानी N2 तो यहां से बनेगा ही कितने N होंगे दो है तो मैंने दो है निकाल दिए हां कहना आप सुनो ध्यान से जब भी आप लोग क्रोमेट ले रहे हो Cr2 7 माइनस 2 इज नोन एज क्रोमेट याद रखना ऑलवेज ये ट्रिक्स दे रहा हूं रिएक्शन याद रखने की प्लस पॉइंट है सबकी मैं ट्रिक्स दे रहा हूं Cr2 7 जब भी आप क्रोमेट ले रहे हो क्रोमेट में से ऑलवेज एंड ऑलवेज Cr2O3 क्रोमिक एसिड बनता है क्या बनता है इसको क्या बोलते हैं क्रोमिक एसिड हमेशा Cr2O7 में से क्या बनता है Cr2O3 बनता है पहले हमने क्या निकाल दिया N2 निकाल दिए फिर Cr2O7 में से क्या बन गया क्रोमेट में से क्या बना दिया हमने क्रोमिक एसिड क्या बना दिया हमने क्रोमिक एसिड क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमिक एसिड क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमिक एसिड यानी Cr2O7 में से क्या बन गया Cr2O3 यानी क्रोमेट में से क्या बन गया यहां पे क्रोमिक एसिड तो क्या आ रहा O7 दे हां क्या ना O7 के क्रोमिक में हम कितने आ गए तीन आ गए तो कितने और बाकी रहे चार और बाकी रहे तो चार मोल के तो रो क्या बनाएंगे H2O ब्रेस करना आपको आता है इसे कहना ना शॉर्ट एंड स्वीट बहुत सिंपल है एमोनियम क्रोमेट लो व्हाट इज एमोनियम क्रोमेट NH4 twice Cr2O7 इज नोन एज एमोनियम क्रोमेट ले लिया मैंने उसका क्या करना है डीकंपोजिशन दिस थ्री आर एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन ये खाली एक अलग एग्जांपल था ये तीनों कैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है क्या करना है हमको एमोनियम क्रोमेट हमने ले लिया है तो क्या करेंगे हम लोग हीट डीकंपोजिशन करेंगे एमोनिया हमने क्या किया NaCl बना रहे थे हम क्वेश्चन से करनी है N2 के
करनी है, यानी यहां से क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, Cr2O7 ब्रोमेन में से ऑलवेज याद रखना क्या बनता है, Cr2O3 क्या बनता है, हमेशा Cr2O3 बनता है, यानी दिस इज कन्वर्टेड टू Cr2O3। ओके, तो क्या बचता है, Cr2O3 निकल गया, बचता क्या है, 7 O थे, उसमें 3 O यहां पे चले गए, कितने हो बचे, 4 हो गए, 4 बड़े स्टो क्या कर दो, रिलीज। दिस इज द ट्रिक्स एंड टेक्निक ऑफ द रिएक्शन। ये क्या हुई, ट्रिक्स और टेक्निक हुई किसकी, रिएक्शन की। ओके, दो हुए, दूसरा हमको लेना है बेरियम नाइट्राइड, इसको ना बेरियम नाइट्राइड यानी BaN3 ट्वाइस, उसको आप हीट करोगे, नेचर यहां से क्या अलग पड़ेगा, Ba पॉजिटिव के अलग कर दो, Ba और N2 को क्या कर दो, अलग कर दो। प्रिपरेशन हमेशा हम जानते हैं नाइट्रोजन ऑलवेज कैसा होता है, डायटोमिक स्टेट में होता है, नाइट्रोजन इज ऑलवेज इन डायटोमिक स्टेट, यानी नाइट्रोजन को दो ही मिलेंगे, कभी अकेला मिलेगा नहीं, हमको N हमेशा दो ही मिलेंगे, बस क्या है कि ये हमको रिएक्शन फिनिश करना आता है। ऐसे ही ये हुआ बेरियम नाइट्राइड, ठीक है, आप सोडियम नाइट्राइड, अब इसको हम बेरियम एजाइड भी बोलते हैं, इसको सुनना ध्यान से, BaN3 ट्वाइस इज नोन एज बेरियम एजाइड, खास याद रखना, वैसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेरियम एजाइड, BaN3 ट्वाइस इज नोन एज बेरियम एजाइड। ओके, उसके बाद NaN3, यानी हम जानते हैं NaN3 क्या होता है, Na कैसा होता है, +1 होता है, अकेला N कैसा होगा, -3 होगा, क्या करना है, उल्टा पॉजिटिव की नेगेटिव के नीचे नेगेटिव की पॉजिटिव, यानी क्या बन जाएगा, NaN3। यस ओर नो, NaN3 को हिट करो, अभी नेचर ही निकाला गया हमको यहां से, प्रिपरेशन किसकी करें, नाइट्रोजन की, यानी क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, बस तक क्या है, सोडियम, उसको रिमूव कर दो। ओके, चार प्रिपरेशन यहां पे दी हुई है आपको, फर्स्ट NH4Cl प्लस NaNO2 प्लस NH, फर्स्ट है वो है NH4Cl प्लस NaNO2 पे निकालना क्या, N2 निकाल दो। ओके, Na और Cl क्या बना देंगे, NaCl, फिर बचेगा N2, गैस को रिलीज कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आया एमोनियम ब्रोमेट NH4Cr2O7 ले लो, उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी हीट करो, ये तीनों कैसे डीकंपोजिशन वाले, हीट अप्लाई किए, देखो ध्यान से, जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी एमोनियम ब्रोमेट ले लो, कौन सा रिएक्शन करना है, उसका डीकंपोजिशन यानी हीट अप्लाई करेंगे। अब सुनो ध्यान से, हम बनाना क्या है, N2 प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, N2 की कर रहे हैं, यानी N2 बनने वाला है ये, अभी रिसेंटली केयरफुली Cr2O7 ब्रोमेट में से हमेशा आपको मिलता है ब्रोमिन एसिड, यानी मिलता है Cr2O3, क्या मिलता है, हमेशा आपको Cr2O3 मिलता है, तो बचता क्या है, एक तो वो क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, कितने हो बचते, सुनो ध्यान से, 7 में से 3 निकल गए, तो कितने बचे, 4, यानी 4 मोर H2 क्या होंगे, यहां से रिलीज होंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बेरियम एसाइड, बेरियम एसाइड को हिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा, और लास्ट में NaN3 सोडियम नाइट्राइड, उसको हिट करो क्या मिलेगा, वो सोडियम मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलेगा। ओके, ये रिएक्शन फिनिश नहीं है, फिनिश कर दो आप, इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अरे रिएक्शन आपको खुद ही खुद बैलेंस करने आ जाएंगे, और लिंक के रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो आपने लिंक के रिएक्शन लर्न किए, तो गारंटी से बोलता हूँ आपको हर एक रिएक्शन इजीली और शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक में आपको याद रह जाएगा, ठीक है, इसके रिएक्शन आपको ट्रिक्स और टेक्निक से करने पड़ेंगे तो ही आएंगे। ओके, उसके बाद वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज ओडरलेस गैस, कैसा है वो, ओडरलेस गैस है, उसकी कोई बात नहीं आती, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है, बराबर आप जानते हैं नाइट्रोजन कैसा है, नॉन टॉक्सिक गैस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज, अभी सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन की खास प्रॉपर्टीज है, वो सभी मेटल में रिएक्शन देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में खास याद रखना, नाइट्रोजन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देगा, मेटल के साथ रिएक्शन देगा। सपोज कि आप कोई भी मेटल चलती है, मैंने यहाँ पे लिथियम लिया है, दूसरा मैग्नीशियम लिया है, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, मैंने तो खाली यहाँ से क्या लिया है, लिथियम लिया है, और दूसरा क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है, आप कोई भी मेटल अपने हिसाब से ले सकते हो। सपोज कि मैं लिथियम लिया है, लिथियम कैसा होता है, +1 होता है, दूसरा मैंने लिया है मैग्नीशियम, वो कैसा होता है, +2 होता है, और नाइट्रोजन अपना जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी यानी एम कैसा होता है, -3 होता है, Li+1 होता है, Mg+2 होता है, एन होता है -3, क्या करना है हमको, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव में, यानी वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं, उल्टी करते हैं,
यानी ये एल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तीन हो जाएंगे, यानी एल आई थ्री एन मिलेगा। फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, एन की थ्री मिलेगा हमको, यस और नो, और एन टू एन कितने हो जाएंगे दो। उल्टा पॉजिटिव की नेगेटिव लिखे, यहाँ पे सपोज की मिलेगा एन की प्लस टू, इसकी एपोक्सिडेंस में दो होती है, एन आई माइनस थ्री इसका तीन होता है, इसकी इसके नीचे और इसकी इसके नीचे, बन गया अपना एन जी एन थ्री, यानी कि लिथियम लिक्विड नाइट्रोजन तो फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, एन जी लिक्विड नाइट्रोजन तो फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये क्या हो इसकी मेटल प्रॉपर्टीज विद मेटल, यानी कि अपना नाइट्रोजन मेटल में रिएक्शन लेके क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना इजीली आता है। और लास्ट अपना पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ ये प्रॉपर्टीज एन टू प्लस एच टू, एबर्स प्रोसेस, यस जानते हो आप लोग एबर्स प्रोसेस क्या बनता है, वहां पे अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एफी कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ एफी कैटालिस्ट एन टू प्लस एच टू प्रेजेंस ऑफ एफी कैटालिस्ट, इस कंपाउंड में क्या बनता है, वहां पे बनता है अपना अमोनिया। उसके बाद लास्ट कंडीशन वो है एन टू प्लस ओ टू, एन टू प्लस ओ टू क्या बन जाएगा, टू एन ओ क्या बनता है, टू एन ओ, एन टू प्लस ओ टू क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, जब एक ओ से बोलते हैं मोनोक्साइड, दो तो डाइऑक्साइड, तीन तो ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक ओ जिसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। ओके कितना हुआ, फिर उसकी प्रिपरेशन, फर्स्ट आई एन एस फोर सी एल प्लस एन एन ओ थ्री, उसमें से बनता है एन टू प्लस, सॉरी पहले बनता है एन टू एन एस सी एल प्लस वाटर, उसके बाद एमोनियम ब्रोमेन एन एस फोर ट्वाइस सी आर टू सेवन, उसको हीट करो डी कम्पोजिशन रिएक्शन तो बनता है एन टू वाटर बनता है, और सी आर टू सेवन से क्या बन जाएगा सी आर टू ओ थ्री नोन एज ब्रोमिक एसिड, उसके बाद बेरियम एसाइड में से उसको हीट करो, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट में से उसको हीट करो, ठीक है चार प्रिपरेशन थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज आई, प्रॉपर्टीज से फर्स्ट कौन सी आई कि भाई सारी नाइट्रोजन मेटल में रिएक्शन देगी, नाइट्रोजन इजीली गिव रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड एंड लिथियम, रिएक्शन देगा सोडियम भी देता है, जानते हैं हम लोग सोडियम भी देता है, ईच एंड एवरी मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। उसके बाद एक प्रॉपर्टी समझा दी, इसलिए बहुत एन टू प्लस एच टू क्या बनता है एन एच थ्री, प्रेजेंस ऑफ एफी कैटालिस्ट इज नोन एज एबर्स प्रोसेस, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग एबर्स प्रोसेस बुलाते हैं। ओके इसके बाद एन टू प्लस ओ क्या बनता है, टू एन ओ बनता है, क्या बनता है वहां पे टू एन ओ, क्लियर। तो ये बात हुई प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज किसकी, नाइट्रोजन की, किसकी प्रिपरेशन हमने किसकी है अभी नाइट्रोजन की है। किसकी प्रिपरेशन हुई, प्रॉपर्टीज किसकी हुई, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हुई और प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट उसमें से आ रहा है अभी वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, नेक्स्ट जा रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, कौन सा है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, यानी एमोनिया क्या करना बनाना, ठीक है। चलो एमोनिया बनाने से पहले हाँ इसमें से ये रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर याद रखने इस मैच के बाकी रह गया है, पहले एमोनिया बनाने के लिए हमको लेना पड़ता है यूरिया, क्या लेना पड़ता है यूरिया, ना व्हाट इज यूरिया, यूरिया मींस क्या होता है, यूरिया मींस होता है NH3 CO NH3 इज नोन एज यूरिया, उसे क्या बोलते हैं यूरिया बोलते हैं। व्हेन यूरिया रिएक्ट विद वाटर, व्हेन यूरिया रिएक्ट विद वाटर, तो सुनो ध्यान से, फर्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया कर रहा है, अब इसमें से डायरेक्ट एमोनिया नहीं बनता, इसमें क्या होता है कि भाई यूरिया में हमने वाटर डाल दिया तो पहले बनता है एमोनियम कार्बोनेट, क्या बनता है एमोनियम कार्बोनेट, यानी कि इन एमोनियम कार्बोनेट NH4 कैसा होता है प्लस वन होता है, हम जानते हैं NH4 कैसा होगा प्लस वन होगा, NH4 इज प्लस वन CO3 इज माइनस टू, कंबाइंड करो क्या बन जाएगा एमोनियम कार्बोनेट, इसका जब आप डीकंपोजिशन लोगे, इसका जब आप डीकंपोजिशन लोगे तब आपको मिलेगा 2NH3 और कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या लेना है आपको यूरिया प्लस वाटर, यूरिया वाटर क्या बनाते हैं एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 1 NH4 प्लस 1 सो ध्यान से बनता है, NH4 कैसा होता है प्लस 1 होता है आप जानते हो, CO3 कैसा होता है माइनस 2, कंबाइन करो क्या बन जाएगा NH4 ट्वाइस CO3, जैसे उनको क्या बन जाएगा NH4 ट्वाइस CO3, यानी बन गया अपना एमोनियम कार्बोनेट, उसका फिर आप लोग लोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन तो एमोनियम में से क्या बन जाएगा एमोनिया, तो भी हम जानते हैं कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या निकलता है
कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही ऑलवेज रिमूव करता है, याद रखना। ओके, क्या ले लिया? यूरिया प्लस वाटर क्या बन जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट को और डीकंपोजिशन करोगे इससे क्या होगा, वापस क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा तो बनेगा अमर, बनेगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CaOH twice इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नाउ NH4 है यानी क्या बनता है, इसके आएंगे दो मोल NH4 इज NH4 का क्या बनता है, यहां पे NH4 इज नॉट इन अमोनिया, क्या बन जाएगा वहां पे अमोनिया बनेगा। CaOCl क्या बन जाएगा, CaCl2। Ca कैसा होता है, प्लस 2 होता है, याद रखना। Ca कैसा होता है, प्लस 2, Cl माइनस 2 कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। बनते क्या है, H और O क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, कितनी प्रिपरेशन हुई, दो हुई। पहले क्या लो, यूरिया प्लस वाटर क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बन को हीट करो, अमोनियम कार्बन को हीट करो, अब इसका बनेगा अपना अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बोनेट है ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमेशा जब भी आपने रिएक्टर में कार्बोनेट लिया है तो प्रोडक्ट में आप बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल ही दो, याद रखना। ऑलवेज रिएक्टर में कार्बोनेट तो प्रोडक्ट में आग बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या कर दो, रिमूव कर दो। ओके, उसके बाद हुआ NH4Cl plus CaOH twice, NH4Cl plus CaOH twice। ओके, क्या करना है, NH4 में से क्या बन जाएगा, NH3। Ca कैसा होता है, प्लस 2 होता है, Cl माइनस, यानी क्या बन गया, CaCl2 बराबर ये जो क्या बन जाएगा, H2O। ओके, उसके बाद अमोनियम सल्फेट इज नोन एज अमोनियम सल्फेट, NH4 twice SO4 इज नोन एज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH। अभी क्या करते हैं, इससे उल्टा होता है, क्या करते हो, अमोनिया में से क्या बन, अमोनिया में से क्या बन जाएगा, अमोनिया, अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। आपको जब भी आपको अमोनिया बनाना हो तो लेना क्या पड़ता है, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया में लिया है, अमोनियम ले लो रिएक्ट विद NaOH। अभी अमोनिया में से क्या बन जाएगा, अमोनिया, यस और नो, H और O, H2O बनाएंगे। अभी ये SO4, SO4 कैसा होता है, माइनस 2, रिएक्ट विद H2 फॉर्म H2SO4 क्या बनता है, वहां पे H2SO4। और एक आप जानते हो अभी फेवरेट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, N2 प्रोसेस को क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ Fe कैटालिस्ट। ओके, चार रिएक्शन हुआ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, कौन सी, फर्स्ट ले लो यूरिया, ले लो यूरिया रिएक्ट विद वाटर, यूरिया रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस, यूरिया रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अमोनियम कार्बोनेट, प्रोड्यूस अमोनियम कार्बोनेट, देन अगेन अमोनियम कार्बोनेट का कौन सा लोगे आप लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन लोगे, कौन सा लोगे आप लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन, देन अमोनियम से बनेगा अमोनिया, अभी कार्बोनेट है यानी क्या बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट वहां से रिलीज कर देगा। ओके, उसके बाद है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ले लो, CaOH twice ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, CaOH twice ले लो, क्या होता है, अमोनियम में से क्या बनता है, अमोनिया, अमोनिया में से क्या बनता है, अमोनिया, Ca+2 और Cl-2 क्या बन जाएगा, CaCl2, एक तो रो क्या बना देगा, H2O बना देगा। ओके, उसके बाद क्या आया कि भाई NH4 twice SO4 इज नोन एज अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, क्या बनता है, NH4 अमोनिया बनाने क्या लेना पड़ता है आपको, अमोनियम तो लेना ही पड़ेगा, अमोनियम ले लिया तुमने, अमोनिया जितने मोल आपने अमोनियम लिया है उतने मोल अमोनिया बना दो, फिर रिएक्शन प्लेस करना आपको आएगा, जितने मोल आपने अमोनियम लिया है उतने मोल क्या बना दो, अमोनिया बना दो, एक छोड़ो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और फिर यहां से निकलता है SO4, यहां निकलता है H+, तो क्या बन जाएगा, H2SO4। उसके बाद हेबर्स प्रोसेस जानते हो आप लोग, N2+H2 क्या बनता है, 2H3, चार हुए यूरिया, फिर NH4 CaCl2, उसके बाद NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, उसके बाद N2+H2। नाउ उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, नाउ नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में क्या है कि भाई अमोनिया जब भी हम पानी में डालेंगे, जब भी हम अमोनिया पानी में डालेंगे, अभी अमोनिया में सुनो ध्यान से, अमोनिया जब भी हम पानी में डालेंगे, ये है ना लुईस बेस, कैसा है लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू डोस्टेट थियरी ये एक्सप्रेस क्या करता है अपने में गेन करता है, अकॉर्डिंग टू लोरी डोस्टेट थियरी अमोनिया अपने में क्या करता है एक्सप्रेस गेन करता है, अकॉर्डिंग टू लोरी डोस्टेट थियरी अमोनिया अपने में एक्सप्रेस क्या करेगा गेन करेगा और बन जाएगा NH4+ और निकलेगा क्या OH- अभी
ammonia जैसा है, यही से हम जानते हैं किसके ऊपर से, by Lorentz Bostick theory, according to Lorentz Bostick theory, जब भी आप ammonia को पानी में डालते हैं, according to Lorentz Bostick theory, जब भी हम ammonia को पानी में डालते हैं, तो क्या बनता है, NH4 plus OH minus, ओके, उसके बाद है, वो है zinc sulfate, जिनमें से फोर ले लो, react with NH4OH, बराबर ये हम कौन से फॉर्म में मिलेगा NH4OH, ammonia का क्या मिलेगा, हम कैसे मिलता है वो NH4OH फॉर्म में, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलता है, हमने लैब में मॉडल देखी हुई है, हां बेटा लैब में आप क्या पास कराते हो, अमोनिया गैस में क्या होता है NH4OH होता है, यस और नो, तो हमको अमोनिया कौन से फॉर्म में मिलता है NH4OH फॉर्म में मिलता है, यानी कि जिंक सल्फेट रिएक्ट NH4OH, कुछ नहीं उल्टा कर दो ZnO पड़ा कर दो, क्या निकालो ZnO प्लस को निकालो, यस निकालो OH माइनस, तो बन जाएगा क्या ZnOH ट्वाइस, यहां से क्या निकालोगे NH4 प्लस SO4 माइनस 2, NH4 कैसा होता है प्लस होता है, SO4 कैसा होता है माइनस 2, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, नाम क्या बनता है अमोनियम सल्फेट बनता है, ओके कितना हुआ मिला अमोनिया पानी में, अमोनिया पानी में तो NH4 प्लस OH माइनस, हम जानते हैं कि NH4 हमको NH3 ऐसे नहीं मिलता, उसकी सारी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है हमको NH4OH मिलती है, तो ZnO SO4 रिएक्ट विद NH4OH तो क्या बन जाएगा, वहां पे उल्टा कर दो, यानी ZnO यहां से OH, ZnO OH ट्वाइस, यहां से NH4, यहां से SO4, NH4 SO4, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ओके उसके बाद HCl3 प्लस NH4OH, अभी यहां पे खास के लिए याद रखना, जब हम HCl3 को NH4OH में डालते हैं, अमोनिया में डालते हैं, तब आपको मिलता है ब्राउन कलर का Fe2O3 into H2O is known as alumina, sorry, it is known as ferric oxide, इसको क्या बोलते हैं आप लोग ब्राउन PBT, इसे मिलते हैं आपको ब्राउन PBT मिलते हैं, अब नेचर में बचता है क्या, यहाँ से NH4OCl क्या बनाता है NH4Cl, ठीक है ये खास रिएक्शन है, कौन सा HCl3 plus NH4OH क्या बन जाएगा Fe2O3 plus into H2O, और NH4OCl क्या बन जाएगा NH4Cl, उसके बाद हम जानते हैं अमोनिया हमको आया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़ा हुआ है, अमोनिया बिहेव एज अ स्ट्रांग लिगेंड, अमोनिया बिहेव एज अ स्ट्रांग लिगेंड, दैट्स व्हाई अमोनिया गिव्स रिएक्शन विद Cu+2 एंड HCl, अमोनिया गिव्स रिएक्शन विद Ag+ एंड Cu+2, बराबर अमोनिया डी ब्लॉक वाले एलिमेंट Cu+2 से और Ag से रिएक्शन देती है और क्या बनाता है हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आपने कॉम्प्लेक्स ये देखा होगा, यहां पे चार मोल है यहां पे दो मोल है, यानी चार लिए जाएंगे यहां कितने लिए जाएंगे दो लिए जाएंगे, ओके क्लियर कि भाई अपना अमोनिया वो कैसा स्ट्रांग लिगेंड यानी Cu+2 से और Ag से रिएक्शन करके क्या बनाएगा अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ओके कितना हुआ पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन हुआ, ओके वहां पे क्या क्या है नाइट्रोजन में कि पहले कैसे बनता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बनाने के लिए पहले क्या लेना पड़ता है NH4Cl NaNO3 उससे बनता है अपना नाइट्रोजन, दूसरा क्या ले लिया हमने अमोनियम कार्बन अमोनियम ब्रोमेट ले लो उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद फ्रॉम रेडियम एजाइड, उसके बाद फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में क्या आया कि नाइट्रोजन अपना मेटल के साथ रिएक्शन देता है, नाइट्रोजन अपने मेटल के साथ रिएक्शन देता है क्या बनाता है नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन के मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड, उसके बाद हम जानते हैं रिवर्स प्रोसेस यू नो वेरी वेल, उसके बाद एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है N+ O क्या बनाता है NO बनाता है, उसके बाद हमने क्या देखा अमोनिया देखा, अमोनिया की डिफरेंस कैसे होती है भाई अमोनिया बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है हमको यूरिया, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट, उसका डी कंपोजिशन लो अमोनियम कार्बोनेट क्या बनेगा हमको अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज कर दो, उसके बाद NH4 Cl रिएक्ट CaOH ट्वाइस तो क्या बनता है वहां पे अमोनिया बनता है Cl+2 Cl- तो क्या बन जाएगा CaCl2+ वाटर क्या होगा वहां से रिलीज होगा, उसके बाद NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH ट्वाइस रिएक्ट विद NaOH ट्वाइस यहां से NH4 ट्वाइस में क्या बन जाएगा अमोनिया बनेगा H2O बना देंगे H2O फिर SO4 और H2O क्या बना देगा H2SO4, उसके बाद N2+ H2 आप जानते हो क्या बनता है अमोनिया NH3 बनता है, बस प्रोसेस ये आता है एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया में भी आता है एसएमएस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में भी आएगा कौन सा अमोनिया वाला, ओके उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया अमोनिया क्या बेस है यानी अमोनिया को पानी डालने के क्या बन जाएगा NH4+ और समय क्या निकलेगा वहां से OH- जब भी हम अमोनिया किस में डालेंगे पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा अपना NH4+ बनेगा निकलेगा क्या वहां से OH- बाद में ZnSO4 NH4OH क्या करता है उल्टा होता है यहां इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बनता है ZnOH2 NH4 SO4,
उसके बाद आप जानते हैं जो अपना एमोनिया है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में बहुत काम आता है। ओके, उसके बाद अभी लास्ट में दीजिए, ये आपको एक्स्ट्रा है टेक्स्ट बुक में दी जानी है, बट इसको आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैंने तीन यहाँ पे लिए है, चार लिए सॉरी, NO2 N2O इज नोन एज डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, उसके बाद उसका ऑक्सीजन के नाम कितना आता है, वो कैसा होता है -2, उससे क्या +2 डिवाइड बाय 2 कितना है +2 हो जाएगा, ये होता है +2, इसका कितना होगा +3 होगा, इससे कितना होगा +4। ये सब क्या दिए मैंने, इसके ऑक्सीडेशन स्टेज दिए आपको फाइंड करके आते हैं, एन के बहुत सारे मिलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड सब मिलेंगे, और उसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बना लो काम आएंगे, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बना लो काम आएंगे। इसके किससे चार के हैं, एक NO, N2O का, NO का, N2O3 का और NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस वजह से क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बात हुई आज के, आज से यहाँ पे बात प्रिपरेशन ऑफ N2, प्रॉपर्टीज ऑफ N2, प्रिपरेशन ऑफ NH3, प्रॉपर्टीज ऑफ NH3, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसी टॉपिक के पढ़ोगे तो आ जाएगा, उसका ऑक्सीजन स्टेट आपको कितना आता है, और मैंने यहाँ पे सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिए हैं, आपको खाली बुक में रेजोनेंस कॉपी करने एग्जाम में कभी कभार उसी के मारते हैं, तो रेजोनेंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको ऑक्सीजन स्टेट काम करना आता है, वो का -2 उस हिसाब से आप गिन सकते हो सारे स्टेट बराबर। ये हुआ रिएक्शन किससे, नाइट्रोजन से। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैं जानता हूँ आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत रिएक्शन इसके बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या करें, पी ब्लॉक में 150 रिएक्शन है, इसलिए सारे रिएक्शन आप देखोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए रिएक्शन लिख लिख के रन करना तो इजी रहेगा, रोज डेली बाय डेली होमवर्क करना, नोट्स बनाना तो ये आपको इजी रहेगा। ठीक है, डेली बाय डेली नोट्स बनाना, होमवर्क करना तो आपको ये डीप लोग इजी लगेगा, भले आज का चैप्टर आपको बोरिंग हो, कुछ इसमें नया सिग्नेशन नहीं है, रटाफिकेशन बहुत सारा है। ठीक है, रट रट के आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ओके, पहले प्रिपरेशन ऑफ N2 बराबर चार रिएक्शन उसके थे, NH4Cl plus NNO2, उसके बाद अमोनियम ब्रोमेट उसको हीट करो, मेडियम एजाइड को हीट करो, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट हीट करो, फिर रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन इजीली लेके मेटल बराबर, फिर हेबर्स प्रोसेस, बाद में अमोनियम प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया, उसका डीकंपोजिशन यूरिया प्लस वाटर तो अमोनियम कार्बोनेट, उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन बनता है अमोनिया, उसके बाद NH4Cl plus COH twice उससे बनता है अपना अमोनिया, उसके बाद NH4 twice SO4 plus NaOH उससे बनता है अमोनिया, लास्ट में कौन सा है हेबर्स प्रोसेस आप जानते हो, और अमोनिया क्या है बेस, जब भी हम अमोनिया को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा NH4 plus OH minus, उसके बाद दो रिएक्शन थे उसमें जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बाद में FeCl3 प्लस NH4OH, वहां पे क्या मिला हमको ब्राउन पीपीटी मिल रहे थे, और अमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने को क्या आता है काम आता है। ओके, बाद में क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतना नोट्स में खास लिख लेना, तो पी ब्लॉक में साथ में चलना तो पी ब्लॉक इजी रहेगा, जो पी ब्लॉक से थोड़े पीछे चले गए तो आपको पी ब्लॉक हार्ड लगेगा, थोड़ा बोरिंग था, मैं जानता हूँ आपसे सारा टॉपिक सब बोरिंग है, बट इसको हम इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करेंगे, बट डेली बाय डेली वीडियो देखना, नोट्स बनाना तो इजी रहेगा, होमवर्क साथ में करोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जय हिंद।